नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित पाठ सूरदास के पद पर बातचीत करेंगे। सूरदास जी भक्तिकाल के कवि हैं। भक्ति और कृष्ण साधना के अतिरिक्त उन्हें बाल मनोविज्ञान के अनूठे सर्जक के रूप में वैश्विक ख्याति प्राप्त है। वे बाल जीवन के समर्थ चितेरे हैं। बच्चों और बड़ों की दुनिया और समझ में बेहद अंतर होता है। हम बच्चों की दुनिया में बड़ों की समझ से प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों की दुनिया बेहद सरल और बनावट विहीन होती है। सूरदास के पद इस अर्थ में हमें चमत्कृत करते हैं। तो आइए सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये भक्तिकाल की चार धाराओं में आने वाले कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जिस तरह से सूरदास जी ने किया है वैसा किसी अन्य ने नहीं। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1422 को मथुरा और आगरा बीच सीही में हुआ था। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद वे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। उनकी मृत्यु सन 1563 को हुई। सूरदास के पद पाठ में सूरदास के दो पद संकलित हैं। सूरदास बाल मनोविज्ञान के अनोखे सर्जक हैं। इस कोटि की बाल रचनाएं हिंदी साहित्य में विरल हैं। इन दो पदों में दो महत्वपूर्ण संदर्भ देखने को मिलते हैं। पहला बच्चों की अनूठी दुनिया और दूसरा है बच्चों की अनूठी समझ। तो आइए पहले सूरदास के पदों का पाठ करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्खी बेनी चो, हवे है लांबी मोटी, काड़त गुहत नहावत जय हे, नागिन सी भुवि लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। इस पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ लेकिन अब तक मेरी चोटी छोटी ही है। वे आगे कहते हैं कि मैया, तू कहती थी कि बलराम भैया की तरह ही मेरी चोटी भी बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी, और यह काटते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप तो मुझे रोज माखन रोटी की जगह ये कच्चा दूध देती हो, इसीलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिंके कोलिन हो, अनभावत भूवि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखई, तही पूत अनोखो जायो। इस दूसरे पद में श्री कृष्ण के विरुद्ध गोपियों की शिकायत का वर्णन है। गांव की गोपी आकर यशोदा मैया से शिकायत करती है कि तुम्हारा नंदलाल
मेरे घर आकर घर का सारा माखन चुरा लिया और खा गया। छींके के ऊपर रखे हुए मटके से कृष्ण ने सारा मक्खन नीचे उतारते समय नीचे भी गिरा दिया है। कृष्ण की इस हरकत के कारण हर दिन हमारे दूध और दही की हानि हो रही है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। इस प्रकार सूरदास जी ने कहा है कि गोपियों के विचार से यशोदा अपने पुत्र को ठीक से संभाल नहीं रही। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि सूरदास ने श्री कृष्ण के नटखट बालपन की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। सूरदास कृष्ण के मन में रही आस को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बच्चे नए प्रयोग या चिंतन के प्रति तुरंत आकर्षित होते हैं। इस पद में कृष्ण अपने चोटी की लंबे होने की आस से निरंतर दूध का सेवन करता है। दूध और चोटी के बढ़ने में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी माँ यशोदा द्वारा कृष्ण को दूध पीने के प्रति रुचि बढ़ाना माँ की ममता ही है। इस प्रकार आज के समय में भी माँ और बच्चों के बीच इसी तरह की लीलाएं देखने को मिलती हैं। दूसरे पद की विशेषता में कृष्ण द्वारा माखन चुराया जाना, साथियों में दूध से बने वस्तुओं को बांटना आदि क्रियाएं सुलभ होने पर भी तर्कसंगत लगती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों की अपनी अलग दुनिया है, जहाँ वे अपने पराये में भेद नहीं करते। उनके लिए सब कुछ अपना ही है, इसीलिए वे किसी के भी घर में घुस जाते हैं और माखन खाते हैं। हम यहाँ यह भी देख पाते हैं कि बच्चों की समझ अलग है, वे बेहद सरल ढंग से चीज़ों को ग्रहण करते हैं। सूरदास जी ने इसे बेहद बारीकी और अंतर्दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इन पदों की रचना ब्रज भाषा में की गई है। भाषा लयबद्ध और सरस है। कविता में छंद व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नागिनी सी भुवी लोटी में उपमा अलंकार मिलता है। पची पची में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोपहर दिवस और ढूंढी ढडोरी में अनुप्रास अलंकार है। कविता अपने आप में वात्सल्य भावना से भरी हुई है। इस कविता में माँ के ममत्व को, बच्चे के नटखटपन को देखते हैं। जहाँ माँ अपने बच्चों को अलग अलग कहानियाँ सुनाकर खाना खिलाती हैं, माँ की बातों पर बच्चे आंख मूंद कर विश्वास भी कर लेते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण के सलोने रूप का वर्णन बहुत ही मार्मिक व हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। माँ और बेटे के अनोखे बंधन को चित्रित किया है। इन पदों को पढ़ने के बाद हमने बच्चों की अनूठी दुनिया और अनूठी समझ के बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।